हेलो फ्रेंड्स, सलाम वालेकुम, इट्स साहिद हियर। आज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि फेसबुक लोडर का बाफ आ गया है ट्रिक। मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही रिसर्च करके और सर्च करके एक हफ्ते से बनाया है ये ट्रिक, ठीक है। तो आज मैं आपको ये ट्रिक सिखाने वाला हूं जो कि बहुत बढ़िया है। अगर आप किसी के पोस्ट पे जाके कमेंट करते हो और किसी की फ़ाइट में जाके अगर फाइटिंग करते हो तो कमेंट करना होता है, और प्लस आईबी में इनबॉक्स में भी गालियाँ वालियाँ ये सब देनी पड़ती है जो भी है, तो आपको मैं वो सिखाऊँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आपने अगर ये वाला वीडियो नहीं देखा तो इसको देख लीजिए। इसमें यह है कि अच्छी तरीके से जो हम कमेंट बनाते हैं, लॉन्ग लॉन्ग कमेंट, अपना नाम लिख के कुछ भी, तो आपको इसमें सबसे बढ़िया दिख जाएगा। आज तक किसी ने ये वीडियो नहीं बताई होगी आपको बनाकर। मैंने आपको बताया क्योंकि कुछ ट्रिक ऐसी होती है ना जो सब नहीं बताते हैं, शेयर नहीं करते, बट मैं आपके साथ हर ट्रिक को, हर स्टेप को शेयर करूँगा, ठीक है, इस वीडियो में। और दोस्तों, मैंने जो अभी आपको बताने जा रहा हूं, तो इसके बारे में मैंने सैफू भाई ने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जो कि मैं आपको दिखा देता हूं, इधर वीडियो में आएंगे। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इसको देख लेंगे तो आपको और भी अच्छा हो जाएगा। ये देखें ऑटो लोडर की, और ये है ऑटो क्लिकर लोडर की, ठीक है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए। और इस वीडियो में मैं आपको एडवांस चीज़ें बताने जा रहा हूँ, और ये भी है एक ऑटो लोडर की, ठीक है। तो ये दोनों वीडियो आप देख लीजिए। अगर आपने देख लिया है, इससे फ़ायदा है तो कोई ठीक है, अदरवाइज़ इससे अगर कुछ और भी फ़ायदा नहीं है, इससे दोनों से ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहते हैं तो ये वीडियो देखिए लास्ट तक। और वीडियो में आगे चलने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ये वाला बटन को सब्सक्राइब करके ये घंटी आइकन को दबा देना, ठीक है। तो वीडियो में चलते हैं आगे, और आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए, मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा देर पहले ही इसको यूज़ किया है, और दो हफ्ते से मैं यूज़ कर रहा हूँ। आज मैं फाइनली इस पे वीडियो बनाने का सोचा। तो ये देखिए, मैंने कुछ इसमें लोड किया हुआ। ये क्या है ट्रिक, अगर आपके फ़ोन रूट नहीं है ना तो आपका काम नहीं करेगा, जैसे कि हीरो माइक्रो ये सब होता है, ठीक है। बट इस ट्रिक से आपका फ़ोन अगर रूट नहीं है तो भी आप किसी की भी पोस्ट पर लोडर लगा सकते हो जाकर। जैसे देखिए, मैं यहाँ पर सिंपली आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर प्ले करूँगा और जो मैंने क्लिप सेट कर रखी वो ऑटोमेटिक जाएगी। ये देखिए, आप इससे 2000, 5000, 10000 जितना भी चाहें उतना आप लोडर लगा सकते हैं अपने कीबोर्ड में सेलेक्ट करके, और ऑटोमेटिक जा सकता है ये, ठीक है। और इसका अगर मैं चाहूँ तो स्पीड भी बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो आपको बताऊँगा, सबसे पहले ये बता दूँ इसको सेटिंग कैसे किया जाता है और कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से क्या करना है, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको ये दो चीज़ बताऊंगा, जैसे कि यह है कीबोर्ड और ऑटोमेटिक टैब। कीबोर्ड मतलब कि आपका फ़ोन हैंग नहीं करेगा, कीबोर्ड हैंग नहीं होगा, और ऑटोमेटिक टैब से बताना है, ठीक है। तो इन दोनों का लिंक मैंने आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लें। पहले इन दोनों का मैं डेटा क्लियर कर देता हूँ ताकि मैं सेटिंग करके आपको बता दूँ कि सेटिंग किस टाइप से करनी है, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसका पहले डेटा क्लियर करके उसके बाद वीडियो को ऑन करता हूँ। तो दोस्तों, मैं डेटा क्लियर करने के लिए जा रहा हूँ ऐप्स पे, और ऐप्स में जाने के बाद यहाँ पे उस ऐप्स का नाम लिखूँगा, जैसे कि है कीबोर्ड। देखिए, कीबोर्ड है ये, मैं इसका डेटा क्लियर कर देता हूँ, ये बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा जैसा हम न्यू डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो इसका मैंने डेटा क्लियर कर दिया है। अब मैं जाता हूँ ऑटो टैप पे, ऑटोमेटिक टैप। मैंने ऑटो क्लिकर भी यूज़ किया है, इतना मज़ा नहीं आया, बट आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा अगर आप दूसरे के पोस्ट पे जाके कमेंट करते हो आए दिन, हर दिन। तो देखिए, आपको बिल्कुल ऐसा मिल जाएगा जब आप डाउनलोड करेंगे तो, ठीक है। मैंने इसका डेटा क्लियर कर दिया, तो सबसे पहले आपको ऑटो टैप को ओपन करना है, ठीक है। ऑटो टैप को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर बोलेगा परमिशन ऑन करो बॉस, तो हम इसका परमिशन ऑन कर देते हैं और ओपन सेटिंग में जाते हैं। ओपन सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑटो टैप का एक ऑप्शन आएगा जो कि ऑफ होगा, ठीक है। तो इसको ऑन कर देना है आपको, यहाँ से ऑन कर दिया, ओके कर देना है। ओके करने के बाद बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों, फिर आपको इसको भी ऑन कर देना है, ठीक है। और आप जहाँ पे भी, जिस भी यानी कि ऐप्स पे जाना चाहते हो और लोडर लगाना चाहते हो, जैसे ऑफिशियल फेसबुक वो हो गया, ऐप्स हो गया, और व्हाट्सअप हो गया, ठीक है, और किसी ब्राउज़र में हो गया, क्रोम ब्राउज़र, मोजिला ब्राउज़र, कोई सा भी ब्राउज़र जो आप फ़ोन में यूज़ करते हो, यूसी ब्राउज़र, उस पर जाना है। जिस पे सेट करोगे तो आपको यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। इस पे पहले क्लिक करना है और यहाँ पे सिलेक्ट ऐप करना है, किन किन पे यानी कि आप लोडर चलाना चाहते हो वहाँ जाकर। तो यहाँ पे जाना है और ये सर्चिंग लेगा। तो ये देखिए, सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप कौन कौन सा चलाते हो, जैसे कि फेसबुक है, फेसबुक में जाऊँगा तो ये ऑप्शन मुझे खुलना चाहिए और लोडर लगाना है मेरे को, तो वो हो गया एक। और दो चार ब्राउज़र अगर हमारे पास हैं तो मैं वो भी, जैसे कि मैसेंजर लाइट पे भी, मैसेंजर में भी अगर हमारे इनबॉक्स में किसी से फड्डा होता है तो, और फिर उसके बाद
यहाँ पे अगर आपका जो ब्राउज़र है ब्राउज़र पर भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो ये देखिए यूसी ब्राउज़र हो गया, बट मैं यूसी ब्राउज़र से ज़्यादा फाइट करता नहीं हूँ। तो दोस्तों आपको इतना करने के बाद बैक आ जाना है, ठीक है। बैक आने के बाद आपको इसमें कुछ भी सेटिंग नहीं छेड़नी, ये हो गया इसका काम। अब आपको कीबोर्ड डाउनलोड जो किया तो कीबोर्ड में आना है आपको। कीबोर्ड में आपको जो है ना यहाँ पे फुल डिस्प्ले कर देंगे, जो मैं कर देता हूँ, ये देखिए ये हो गया। तो आपको इसमें कुछ इनेबल करने का पूछेगा आपका कीबोर्ड, तो कर देंगे। और यहाँ पे हमको क्लिप कैसे सेट करनी है वो मैं बता दूँ। यहाँ पे लैंग्वेज पे जाएंगे, लैंग्वेज एंड डिक्शनरीज पे, और यहाँ पे देखिए टेक्स्ट शॉर्टकट आ रहा है, ये रहा। आप इसको स्टेप बाय स्टेप गौर से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करना वरना फिर समझ में नहीं आएगा इस पे स्टेप। तो ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद हमें क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद एडिट करना है। एडिट हमको यहाँ पे वो वर्ड डालना है जो शॉर्टकट डालना है। जैसे कि हम अगर अपने क्लिप सेट करेंगे तो ऐसे पहले सेट करेंगे, जैसे कि अभी मैं आपको बता दूँ, ये रहा, ऐसे करके सेट करेंगे। पहले WQWER, उसके बाद फिर ऐसे करके सेट करेंगे, फिर ऐसे। अगर फिर ये हो जाए तो फिर हम इसको डबल सेट करेंगे, फिर इस पर डबल सेट करेंगे, इस पर डबल सेट करेंगे। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो मेरा फर्ज से बताना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ क्यों, और यहाँ पे कुछ भी कमेंट डाल देता हूँ, जैसे कि लवली लवली डाल दिया, इसको सेव कर दिया मैंने, ठीक है। सेव करने के बाद आप फिर आपको इस पर क्लिक करना है, देखिए यहाँ पर क्लिक करना है, और फिर आपको यहाँ पर जाकर W डाल देना, यहाँ पे फिर डाल देना नाइस, कुछ भी जो है आपने कमेंट बनाया होगा, ठीक है। और मैंने कमेंट भी बनाया आप लोगों के लिए, तो मैं जाकर दिखा देता हूँ कमेंट। और वो कमेंट अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको दे दूँगा, आप मेरे को फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये देखिए ये मैंने सारा आप लोगों के लिए बनाया है कमेंट, जो कि मैं बहुत पहले यूज़ करता था, अब नहीं यूज़ करता हूँ। अगर आप इसके ऑनर बनना चाहते हो तो ये कमेंट मैं आपको दे दूँगा स्टाइलिश, ठीक है। तो मैं इन सबको कॉपी कर लेता हूं और वहां पे जाके कैसे पेस्ट करना है जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए कॉपी कर लिया, इसको यहां पे आना है, फिर यहां पे आना है, मैंने W सेट कर लिया था, E पे क्लिक करना है, फिर यहां पे जाना है, उसके बाद यहां पे पेस्ट कर देना जो हमने कॉपी किया था, ऐसे ऐड कर देना है। तो ये QWE ये दोनों तीनों सेट हो गया। तो आपको मैं ऐसा करके सारा वर्ड सेट करके दिखा देता हूँ पहले, ठीक है। वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे जाकर देख सकते हो मैंने इतना कीबोर्ड सेट कर दिया है अपने सारे पे, जैसे कि ये देखिए ये शॉर्टकट किए हमारे। आप चाहो तो इस पे और भी ज़्यादा सेट कर सकते हो, जैसे कि ऐसे। अगर आपका ये सारा की भर गया है, ये पूरा भर गया, ये पूरा भर गया, ये पूरा भर गया, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि 26 अल्फाबेट होता है ये तो भर गया, तो आप यहाँ पे दो क्लिक करके फिर आप इस पे कर देना, ठीक है। उसके बाद फिर अगर ये भी हो जाए तो तीन क्लिक करके, दो क्लिक करके फिर इस पे आएंगे, सब पे दो दो क्लिक करके आप फिर से एक और वो बना सकते हो पैराग्राफ, ठीक है। उसके बाद अगर फिर से दो दो हो जाए तो फिर आप यहाँ पे तीन तीन करके कर सकते हो, चार चार करके कर सकते हो, ठीक है, हर वर्ड पे। यानी कि 400-500 अगर आपको क्लिप ऐड करना है, तो अगर आप क्लिपर हो, अगर आप क्लिप मारते हो, फड्डा करते हो, तो आपको पता ही होगा, समझाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ जिन लोगों को पता नहीं है। दो दो तीन तीन चार चार फिर इस पर ऐसे करके करोगे तो फिर यहाँ पर जो भी कमेंट करोगे वो कमेंट आ जाएगा, ठीक है। आपको मैं सिंपल दिखाने के लिए मैथड, वीडियो ना बड़ी हो इसके लिए मैंने आपको इतना क्लिक ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे ऐड जो कर दिया है तो आपको आप इसको बाहर आ जाना है, ठीक है। और यहाँ पे जो कि है सेट बोल रहा है मेरे को कीवर्ड करने के लिए, ताकि मैं कीवर्ड बदल दिया था, तो यहाँ पे मैंने ये कीवर्ड एनेबल कर दिया, ठीक है। तो मैंने कीवर्ड सेट कर दिया है। अब मैंने जो यहाँ पे जो किया था आपको बता दूँ किधर गया वो, ये रहा। इसमें जो ऑटोमेटिक कीवर्ड में मैंने जो ये किया था, जो अपना ऐप सेटिंग किया था, अब जिन ऐप पर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे एक ऐसा करके लोगो आ जाएगा, या जहाँ पे भी हो लोगो आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ फेसबुक पे, तो ये देखिए आ गया इधर इस साइड में, आपको ये देखिए ये आ गया ना।
तो अभी आपको ये भी आ रहा था ये प्रॉब्लम, क्योंकि ये जो होता है ना ऑटो क्लिकर वाला होता है, तो हमें ये यूज़ नहीं करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इस पर जाएंगे, जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बैक हो जाता है मेरे फ़ोन में बहुत जल्दी सारा। तो ये देखिए यहाँ पे हमें जाना है इस वाले पे, घड़ी वाले आइकन पे जाना है, और घड़ी वाले आइकन पे जाने के बाद हमें ये ऑफ कर देना है, क्लिक को टिक कर देना है और यहाँ पे सेव कर देना है। तो अब आपको नहीं आएगा वो प्रॉब्लम, जैसे कि ये देखिए अब वो नहीं आएगा सर्कल, ठीक है। तो हमें करना क्या है, अब यहाँ पे आपको जाना है और जो हमने कीवर्ड में सेट किया था, जैसे कि डब्ल्यू में सेट किया था लवली, ठीक है, और क्यू में सेट किया था लवली, और डब्ल्यू में सेट किया था नाइस, ई में सेट किया था हमने ऐसा करके, ठीक है। तो जो भी होगा ना, अब यहाँ पे आकर आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको अगर 10 बार चाहिए, ये 10 देख लेता हूँ मैं, नहीं ये 10 बार होगा, आप इस क्लिप को 10 बार रन कर सकते हैं। अगर आपके पास 5000 की क्लिप बना लिया है आपने, ठीक है, ऐसे करके कीवर्ड पे, तो आप यहाँ पे इसको 10 बार सेट कर देंगे तो वो 5000 आपको 10 बार चलेगा, तो यानी कि 25000 बार आपका कमेंट जाएगा, ठीक है। 10 ही बार आप कर सकते हो, यहाँ पे स्पीड बढ़ा सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे 10 बार करके दिखा देता हूँ। अगर मेरे को 2 बार करनी है वो सारी क्लिप, जैसे कि किसी के पोस्ट पे मेरे को 10 कमेंट देने हैं और मैंने 10 क्लिप कर लिया है, तो 20 कमेंट अगर देने हैं तो एक बार चला दूंगा, और 20 कमेंट अगर मैंने वहाँ पे सेट किया तो उसके पोस्ट पर चला जाएगा और रुक जाएगा फिर ऑटोमेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे सेव कर देना है, यहाँ पे मैं 10 सेंड कर, 2 सेंड कर देता हूँ, 2 टाइप कर देता हूँ, और यहाँ पे आना है मेरे को, और इस वाले जो सर्कल है ना, ये सर्कल पे रिकॉर्डिंग करनी है हमें, ठीक है। तो इसको क्लिक करके उसका हम ब्लू करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर अभी इसको करना होगा हमको खुद से हाथ से, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है, जो हम आपको करके दिखा रहे हैं ये रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो ये देखिए टी वाई यू, ऐसे करके हमें पहले इसको रिकॉर्डिंग कर लेना होगा, हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है, और हमें इसी कीवर्ड पे आके इसको सेट करना होगा, अदरवाइज आप किसी और कीवर्ड को करेंगे तो नहीं होगा। तो ये देखिए हमें फटाफट कर लेना, अगर आप आराम से भी कर सकते हो, इसकी स्पीड बढ़ा सकते हो, ठीक है। फिर से अगर आपको करना है वही, तो फिर से आप कर सकते हैं दोबारा, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, 10 मिनट की रिकॉर्डिंग हो, 20 मिनट की रिकॉर्डिंग हो, उससे कोई टेंशन नहीं है। अगर आपने ये पूरा वर्ड आपने सेट कर दिया है, अगर आपको ये पूरा फिल हो गया, तो आप फिर 2 बार करेंगे, 2 बार करने का जो आएगा आपको इसको क्लिक करना है, यहाँ पे जो आप क्लिप बोर्ड में सेट करे रहेंगे इसको क्लिक करना है, तो ये सारा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इसको रोक देना होगा, यानी कि आपका रिकॉर्ड हो गया तो ये रोक देना है, ठीक है, यहाँ से। तो अब क्या करना है आपको, सीधा आपको किसी के भी पोस्ट पे जाना है, मान लो कि ये किसी और का पोस्ट है, मैं अपना पोस्ट को, और यहाँ पे कमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, और यहाँ पे आपको आप प्ले का बटन मिलेगा, ठीक है। प्ले करोगे तो जो भी आपने अभी रिकॉर्ड किया था वो सब चलने लगेगा ऑटोमेटिक, जैसे कि ये देखो डब्ल्यू क्लिक किया, यहाँ पे आया, फिर मैंने क्लिक कर दिया, ये देखो ये अपने आप चल रहा है, अब मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप किसी भी पोस्ट पर जाओगे ना, तो आप ऐसा करके आप सीधा उसके पोस्ट पर कमेंट डाल सकते हो जितनी मर्जी, ठीक है। तो अगर आपको इसी का स्पीड बढ़ाना है तो फिर ये घड़ी वाले ऑप्शन पर जाना है, यहाँ पर जो घड़ी का ऑप्शन है ये रहा, इस पर जाएंगे, और यहाँ पर 100 की स्पीड है, तो हमको इसको 200 की स्पीड कर देंगे तो और भी ज़्यादा फास्ट में चलेगा, ठीक है। तो हम इसको क्लियर कर देते हैं और फिर से हम प्ले करते हैं इसको, तो देखिए कितना फास्ट चलेगा। ये देखें आप देख सकते हो, लाइव मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। इस ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग है, बट आपको पूरा फुल स्टेप सिखा दिया है मैंने इस वीडियो में, ठीक है। ये देखिए आप थोड़ा आराम से कर लेंगे और रिकॉर्डिंग आराम से करेंगे, और यहाँ पे जो है आपको अगर फास्ट करनी है तो फास्ट कर देंगे, और मैं सजेस्ट करूँगा कि फास्ट ना करें, ताकि आपका कभी कमेंट ब्लॉक हो सकता है, तो आप नॉर्मल में रहने दें जिसको भी आप कमेंट दे रहे हैं, ठीक है। ये देखिए 2 बार हो गया, अब 2 बार मेरा दोनों बार क्लिक होके अब ख़त्म हो गया, ये रुक गया, ठीक है। आप जितना इसको क्लिप को ऐड करेंगे उतना बार आपका चलेगा। तो और आपको ये जो आ रहा है ना सर्कल, आपको इस पर क्लिक करके इसको घुमा भी सकते हैं, इसको होल्ड प्रेस करना पड़ेगा, अगर आप ऐसे ही करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है, ऐसे अगर करेंगे तो नहीं होगा, इसको होल्ड करेंगे उसके बाद इसको ऐसे ले जा करेंगे, और अगर इसको आपको ख़त्म करना है कहीं पे स्क्रीन पे, तो आप ये वाला ऑप्शन इस पर क्लिक करेंगे तो आपका वो हाइड हो जाएगा। फिर इसको ऑन करना है तो इसी पे क्लिक करेंगे, इसी पे ऐसे स्लाइड करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, जैसे कि मैं करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए ऑन हो गया, फिर इसको ऑफ हो गया। तो दोस्तों ये ट्रिक था आज की, अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ये वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि मेरे चैनल पे ऐसे ही आपको मिलती रहेगी, और ये वीडियो आज तक किसी ने नहीं डाली यूट्यूब पर, आप जाकर देख सकते हैं ऑटो टाइप की, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।